मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों आज हम एक नई एक्टिविटी करेंगे, रेडी हैं आप सब? वेल प्यारे बच्चों, तो आज हम उफ और ऊ की मात्रा की एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? ओ चुन्नू तो अभी तक नहीं आया। मैंने चुन्नू को कहा भी था कि जल्दी आना चुन्नू, जल्दी हम एक एक्टिविटी करेंगे। मेरी मैम ने इतनी अच्छी एक्टिविटी बताई थी, अभी तक नहीं आया चुन्नू। मुन्नू, अरे आ गया चुन्नू। चुन्नू कैसे हो? मैं ठीक हूँ। चलो चुन्नू जल्दी से आओ, हम एक बहुत अच्छी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? चलो मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाऊंगा और तुम उनको सही शब्द लिखना होगा, ठीक है? ठीक है। चलो ये भी बताओ ये क्या है? रुपया। हाँ तो अब देखो सही वर्ड चुनकर तुम सही शब्द बनाओ, ठीक है? रुक या, वेरी गुड रुपया, वेरी गुड। लेकिन ये र के पेट में कौन सी मात्रा है? उकी। हाँ तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो चुन्नू। अब ये बताओ ये क्या है? चुड़िया। हाँ तो शब्द बनाओ जल्दी से, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। यस, ये क्या बन गया पढ़कर बताओ? चुनिया। हाँ बिल्कुल सही। बताओ ये कौन सा फूल है? ये गुलाब। हाँ गुलाब का फूल। चलो बनाओ सही शब्द, बिल्कुल सही बना रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत इंटेलिजेंट हो चुन्नू, वेरी गुड। ये क्या है? ये साबुन। हाँ हम नहाते हैं साबुन से, चलो इसका शब्द बनाओ, वेरी गुड, शाबाश, गुड। ये क्या बना? साबुन, वेरी गुड। ये बताओ ये कौन सा जानवर है? कछुआ। कछुआ, चलो अब सही शब्द बनाओ, कछु आ। ये क्या बन गया? कछुआ। कछुआ बिल्कुल सही। अब ऊ की मात्रा के शब्द करेंगे। ये भी तो ऊ है। नहीं ये तो ऊ है और हम ऊ की मात्रा के शब्द बनाएंगे, ठीक है? जल्दी से अब ये क्या है देखो बताओ? भालू। हाँ अब इसका सही शब्द बनाओ, भालू नाच दिखाता है, काला भालू आता है, भालू नाच दिखाता है। अरे मेरा चुन्नू दोस्त तो बहुत इंटेलिजेंट है, लगता है ये हर रोज पढ़ता है, मम्मी का कहना मानता है, तभी तो ये इतना इंटेलिजेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या बन गया? भालू। अब ये बताओ ये क्या है? ये बादाम। ओ नहीं चुन्नू, इसे काजू कहते हैं। अच्छा अच्छा काजू। याद आ गया? हाँ 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 काजू। बादाम तो ब्राउन कलर के होते हैं, हमें बादाम भी खाने चाहिए है ना, और काजू भी खाने चाहिए। चलो अब काजू का शब्द बनाओ, ठीक है? Thank you.
राजू, बिल्कुल सही। चलो अब मुझे ये बताओ ये क्या है, इसे सब्जियों का राजा भी कहते हैं। ये आलू है। हाँ आलू। चलो बनाओ फिर जल्दी से शब्द अपना। वेरी गुड, तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, इसका मतलब तुम हर रोज पढ़ते हो घर में। हाँ। जल्दी से बताओ ये क्या है। इंसान। हाँ, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? सेब। सूरज। हाँ बिल्कुल सही, सुबह सूरज निकलता है। अब जल्दी से सही शब्द बनाओ। मेरा मित्र तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, मुझे गर्व है अपने मित्र पर। बिल्कुल सही, ये हर रोज मम्मी का कहना मानता है और रोज पढ़ाई भी करता है, तभी तो इतना इंटेलिजेंट है। बिल्कुल सही, क्या बन गया ये? सूरज। सूरज, बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड। अच्छा चुन्नू, अब ये बताओ, अब हम कुछ खाते पीते हैं? नहीं मुन्नू, मेरी मम्मा इंतजार कर रही है, मुझे घर पर जाना है। चलो ठीक है चुन्नू, सही बात कह रहे हो। अच्छा तुम कल जल्दी आना, फिर हम कल एक नई एक्टिविटी करेंगे। ठीक है मुन्नू, मैं कल जल्दी से आ जाऊंगा। अच्छा मुन्नू, बाय बाय। तो बच्चों, हम सब ने अभी एक्टिविटी की है ना, तो एक्टिविटी में हमने हू और हू की मात्रा के शब्द किए, है ना। तो इसमें सब बच्चों ने साउंड देखा है ना आपने, इसमें छोटी साउंड आती है और इसमें लंबी साउंड आती है। इसको बोलने में कम समय लगेगा और इसे बोलने में अधिक समय लगेगा, है ना। तो सब बच्चे एक बार दोबारा से मैम के साथ साथ बोलेंगे, चुप या चुकिया सा। अब देखो मैम का मुंह भी खुलता है मात्रा के साथ साथ, है ना। सा बु न सा बुन क छु आ कछुआ जु। अब देखो जैसे मैम का मुंह बनता है ना, आपने भी मात्रा में वैसा ही मुंह बनाना है, ठीक है। जू राब जुताब। अब ब में देखो मैम का मुंह नहीं खुला ना, क्योंकि ब के साथ कोई भी मात्रा नहीं है, है ना। हु हु मुंह बन रहा है ना मैम का, देखो। हु लाब हु लाब। अब बता, अब देखो मैम ने आपको बताया था कि ये जो मात्रा होती है किसी भी व्यंजन के नीचे आती है ना। देखो व्यंजन के नीचे लगा रखी है ना मैम ने मात्रा, लेकिन ये पेट में कब किसके लगती है? र के पेट में। ये र के हमेशा पेट में लगती है, ये र के नीचे नहीं लगेगी। ऊ की मात्रा, सिर्फ ऊ की मात्रा र के कहां लगती है? हमेशा पेट में, है ना। तो देखिए सब बच्चे रू, अब देखिए ये मात्रा कैसे लगानी है हमने। देखो इधर पहले ये र लिखा हमने, सिंपल र, है ना। फिर छोटा सा बन बनाया और फिर ये बन बनाया, जैसे सेवन बनाते हैं ना, सेवन की तरह। ये र के पेट में छोटे ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? रुपया। रुपया होते ना, रुपया नोट ऐसे। अब देखिए सब बच्चे ये क्या है, ऊ की मात्रा। देखो ये कैसे लगानी है। देखो बेटा पहले जीरो बनाया, थोड़ा मैं बड़ा करके बताती हूँ आपको, देखो। लेकिन आपने इतना बड़ा नहीं लिखना, आपने छोटा ही लिखना है। मैम बड़ा इसलिए बता रही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर देखो इसको यहां से ऊपर से, ये ऊपर नजर आ रहा है ना आपको इसका, देखो ये ऊपर ऊपर से पकड़कर इसको नीचे कर देना है, ये मात्रा बन जाएगी आपकी।
है। और ये वाली मात्रा कैसे थी, ये भी आपको समझाया था ना मैम ने, जैसे पहले छोटा सा जीरो बनाया, फिर इसको नीचे से पकड़ना है आपने, बड़े उनकी मात्रा को आपने ऊपर से किया था ना, इसको कहां से करेंगे आप, नीचे से, यहां से देखो, ये नीचे से, नीचे से पकड़ कर और ये ऐसे कर दिया, बस ये छोटी उनकी मात्रा बन जाती है ऐसे, ठीक है, मुश्किल नहीं है ना। चलिए अब सब बच्चे इस मात्रा को बोलिए मैं मैम के साथ साथ, अब देखो इसमें समय ज्यादा लग रहा है ना, लंबी आवाज आ रही है, फूल फूल। अब अगर मैम इसमें छोटी आवाज बोलेंगे तो ये बन जाएगा फुल, फुल तो नहीं ना होता, फुल नहीं होता ना बेटा, क्या होता है, फूल है ना, साउंड से समझ में आता है ना आपको, काजू काजू काटते हैं ना सब बच्चे काजू, आलू आलू, सूरज सूरज। अब देखो मैम बोलती है ना लंबी आवाज में, है ना, नेक्स्ट देखिए क्या है, भा के साथ मैम ने देखो मुंह खोला ना आपकी मात्रा के साथ ही, भा लू। अब मात्रा को किसके साथ बोलना है, व्यंजन के साथ, लघु की मात्रा ऐसे नहीं बोलना है ना, भालू, हर मात्रा को आपने व्यंजन के साथ बोलना है। अब देखिए क्या है, अमरूद। अब देखो र के जो व्यंजन है नीचे मात्रा नहीं लगी ना, र के कहां लगती है हमेशा मात्रा, पेट में, कहां लगती है सब बच्चे बोलो, पेट में। अब ये देखो ये मात्रा का लिखने का अभ्यास कीजिए सब बच्चे, कैसे लिखेंगे, पहले र लिखा आपने, फिर छोटा सा बन ऐसे बना लिया आपने, ठीक है, उसके बाद देखो ये ऐसे बना, ये मात्रा बन जाएगी बड़ी उंगली, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये लाइन नहीं लगाते बन वाली, सीधी मात्रा लगा देते हैं, तो छोटी सी आपने लाइन लगानी है, फिर मात्रा को लगाना, फिर आपकी लगी हुई मात्रा सुंदर भी लगेगी, ठीक है। अमरूद, ठीक है बच्चों, अब सब बच्चों ने इसी तरह से नए नए शब्द लिखने हैं आपने, ठीक है। चलिए बेटा अब हम सुलेख लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, आपने सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, जी। अब देखो ये र के पेट में कौन सी मात्रा है, उक की मात्रा है ना, रुक जी। अब जब ई की मात्रा, जी अमरूद। अब र के पेट में किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है ना, अमरूद खा। तो सब बच्चे ये सुंदर सुलेख अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखकर मैम को व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, बाय बेटा, टेक केयर।